स्पेशल सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो आपके परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच किस महासागर में स्थित है? ए अटलांटिक महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी हिंद महासागर, डी दक्षिणी महासागर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी प्रशांत महासागर। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच मध्य उत्तरी प्रशांत महासागर में समुद्री मलबे का एक बड़ा क्षेत्र है जो प्लास्टिक और अन्य कचरे के उच्च संकेंद्रण के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ए मार्गरेट थैचर, बी इंदिरा गांधी, सी सिरिमावो भंडार नायके, डी गोल्डा मेयर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सिरिमावो भंडार नायके। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। श्रीलंका की सिरिमावो भंडार नायके वर्ष 1960 में विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन से राज्य से हैं? ए पश्चिम बंगाल, बी केरल, सी सिक्किम, डी तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सिक्किम। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पवन कुमार चामलिंग 24 वर्षों से अधिक समय तक सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे, जिससे वे भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति बन गए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ए केंद्र शासित प्रदेश, बी आधिकारिक भाषाएं, सी मौलिक कर्तव्य, डी चुनाव आयोग। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी आधिकारिक भाषाएं। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त आधिकारिक भाषाओं की सूची दी गई है। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन जिसे पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाना जाता है कहाँ स्थित है? ए अफ्रीका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी दक्षिण पूर्व एशिया, डी अमेज़न बेसिन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी अमेज़न बेसिन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। दक्षिण अमेरिका में अमेज़न वर्षावन को कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने और ऑक्सीजन छोड़ने की अपनी विशाल क्षमता के कारण अक्सर पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ए भारत के राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, डी वित्त मंत्री। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए भारत के राष्ट्रपति। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत के कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और ये सरकारी व्यय की लेखा परीक्षा के लिए जिम्मेदार होता है। अगला प्रश्न है, सरस्वती सम्मान निम्नलिखित में किस उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किया जाता है? ए सामाजिक सेवा, बी भारतीय साहित्य, सी विज्ञान, डी सिनेमा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी भारतीय साहित्य। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सरस्वती सम्मान भारत के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन हार्मोन किस अंग में निर्मित होता है? ए यकृत, बी पेट, सी अग्न्याशय, डी पित्ताशय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी अग्न्याशय। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। इंसुलिन अग्न्याशय में निर्मित होता है और रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, किस ऐतिहासिक व्यक्ति को भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? ए समुद्रगुप्त, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी अलाउद्दीन खिलजी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए समुद्रगुप्त। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त को उनके सैन्य विजयों के कारण अक्सर भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में एक बाजार संरचना जहां एक एकल विक्रेता हावी होता है उसे क्या कहा जाता है? ए अल्पाधिकार, बी द्वयाधिकार, सी पूर्ण प्रतियोगिता, डी एकाधिकार। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी एकाधिकार। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। एकाधिकार एक बाजार संरचना है जहां एक एकल विक्रेता किसी वस्तु या सेवा की संपूर्ण आपूर्ति को नियंत्रित करता है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहां स्थित है? ए न्यूयॉर्क, बी जिनेवा, सी पेरिस, डी लंदन। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।